चुनाव गुजरात में है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती रही है वो चुनाव की कसौटी पर खड़ा है। और अब बीजेपी ने गुजरात में फिर से जीत का कमल खिलाने के लिए अपने सबसे बड़े महारथी को मैदान में उतार दिया है, क्योंकि ये 9 दिन में चौथी बार था जब सीएम योगी गुजरात की पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी। गुजरात में सीएम योगी अब तक कुल 13 जनसभाएं कर चुके हैं, जो दूसरे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि सीएम योगी न सिर्फ प्रचार कर रहे हैं बल्कि हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सीएम योगी ने अपनी जनसभा की शुरुआत उस सोमनाथ मंदिर के दर्शन से की, जहां से कभी आशीर्वाद लेकर बीजेपी ने रथ यात्रा शुरू की थी। अब सवाल बड़ा है कि सीएम योगी क्या बीजेपी की जीत में एक्स फैक्टर साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी की रैलियों में भीड़ आ रही है उससे एक बात साफ है कि यूपी के बाहर सीएम योगी की डिमांड बढ़ती जा रही है। इससे पहले हिमाचल चुनाव में भी सीएम योगी ने 16 जनसभाएं की थी।